हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस में अलग अलग तरह की क्वेरीज को एक साथ करके हम नेविगेशन फॉर्म कैसे बना सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। और चलिए तो फिर यहाँ से एक्सेस को ओपन करता हूँ। ये एक्सेस का 2021 है, अगर आपके पास 2007 हो तो भी लगभग प्रक्रिया ऐसी ही रहती है, लेकिन क्वेरी अलग से बनानी पड़ेगी। यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्म में, ये फायदा है। तो यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमको नया डेटाबेस बनाना है तो हम सीधा ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही रखने वाला हूँ। यहाँ से क्रिएट पे कर देंगे क्लिक, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक सपोज कीजिए मैं लिख देता हूँ यूनिट टेस्ट 1, ये लिख दिया और यहाँ से ओके किया, तो टेबल का नाम हो गया यूनिट टेस्ट 1। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रोल नंबर दे देता हूँ, ये हो गया रोल नंबर, और ये हो जाएगा इस तरीके से, और इसे ऑटो नंबर रखता हूँ, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख दिया है। और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहला सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, ध्यान से देखिएगा ठीक है, और यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी कर देते हैं। ऐसे चार पांच सब्जेक्ट हम ले लेते हैं ताकि यहाँ पर हम आसानी के साथ डेटा अपना एंट्री कर पाए। तो SST हो गया अगला सब्जेक्ट, तो ये हो गया इस तरीके से ठीक है। अब ये चार सब्जेक्ट हो गए, पांचवे सब्जेक्ट का भी नाम डालना है, तो पांचवा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, तो यहां पर पांचवे सब्जेक्ट का मैं नाम डाल देता हूं। पांचवा सब्जेक्ट है हमारा साइंस, SCIENCE, ये हो गया साइंस, SCIENCE साइंस हो गया। और यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहां पर कैलकुलेट करेंगे टोटल ठीक है। तो टोटल को कैलकुलेट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जो भी कैलकुलेटेड सब्जेक्ट जो है उसे हम हमेशा नंबर डेटा टाइप रखेंगे ठीक है। यहाँ पे नंबर बना लेंगे, यहाँ पे नंबर बना लेंगे, बाय डिफॉल्ट ये शॉर्ट टेक्स्ट आता है ठीक है। और अगर आप 2007 यूज करेंगे तो ये आपको शॉर्ट टेक्स्ट के बजाय जो है केवल टेक्स्ट आएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर बना लेंगे इसको ठीक है, सबको नंबर बना लीजिए। और ये जो शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है इसे बना लेंगे हम क्या, कैलकुलेटेड। यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड मिल जाता है, यही तो फायदा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 का ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट करना है, तो पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस लिखिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, फिर दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इस तरीके से इंग्लिश लिखिए, फिर बंद कीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर तीसरा सब्जेक्ट है हिंदी, तो ये हिंदी लिखिए, फिर यहाँ पे बंद कीजिए इस तरीके से। चौथा सब्जेक्ट क्या है, तो चौथा सब्जेक्ट है SST, तो यहाँ SST लिखिए, फिर बंद कीजिए इस तरीके से। पांचवा सब्जेक्ट फिर आगे लिखेंगे हम, यहाँ पे SCIENCE, तो ये हो गया साइंस। तो हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स सॉरी नेम यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है, यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे, और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने है ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, यहाँ पे मार्क्स आएंगे इनके, तो यहाँ पे जो भी मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ पे आप डालते जाइए और यहाँ पे नंबर ऑटो कैलकुलेट होता चलेगा ठीक है। ये भी एक फायदा है कि यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, जबकि 2007 में अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा आपने तो ये ऑटो कैलकुलेट नहीं करता है, आपको जीरो लिखना पड़ेगा तभी ये ऑटो कैलकुलेट करेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये सब फायदे हैं इसमें। अब ये हो गया, अब यहाँ पे दूसरे जो स्टूडेंट है उनका नाम यहाँ पे रखेंगे हम, और ये दूसरा स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे मार्क्स यहाँ पर भी आएंगे, तो लाइन से यहाँ पर भी मार्क्स हम डालते चलेंगे ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, तो दो फिलहाल हमने मार्क्स यहाँ पे दो लोगों के एंटर करवा लिए हैं। अब इस टेबल को क्लोज करते हैं, दूसरा टेबल बनाते हैं, तो यहाँ से क्रिएट पे चलेंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद टेबल पे जाएंगे, और यहीं से हम टेबल बना लेते हैं, क्लिक करेंगे इस पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट टेस्ट 2, इस तरीके से यूनिट टेस्ट 2 कर दिया हमने, और 2 करने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पर आईडी आएगी, तो आईडी को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कर देते हैं NUMBER, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसे हम क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, ये शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया। बाकी यहाँ रोल नंबर, अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे रोल नंबर दे सकते हैं, तो ये रोल नंबर, रोल नंबर सेम होगा, और फिर यहाँ पे अगला जो भी सब्जेक्ट जैसे वहां लिखे हुए थे वैसे ही यहाँ पर भी लिख देने, आपको इंग्लिश हिंदी SST जो भी सब्जेक्ट है वो लिख दीजिए। यहाँ पे टोटल इस तरीके से हो जाएगा, ये टोटल लिखा हमने, और यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेकर के फिर वही चीज ठीक है, वही चीज करना है हमको, लाइन से सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर लिखिए, प्लस कीजिए, फिर सेकंड सब्जेक्ट आएगा हिंदी, तो HINDI हिंदी कर दिया, प्लस का निशान लगाइएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, फिर यहाँ पे SST लिखिए, तो जो जैसा दिया गया बिल्कुल वैसा ही आपको लिखते चलना है, कहीं से कोई गलती ना हो ये ध्यान दीजिएगा ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश कीजिए ENGLISH, तो ये इंग्लिश हो गया, फिर यहाँ पे प्लस कीजिए, फिर यहाँ पे SCIENCE साइंस हो गया, फिर प्लस कीजिए,
अब तो कुछ है नहीं, पांच सब्जेक्ट तो हो ही गया, तो बस इसको इतना लिख करके यहाँ से ओके कीजिए, और यहाँ से एक बार इसको चेक करते हैं कहीं से सिंटेक्स एरर हो रहा है। ये सब लिखने के बाद यहाँ से व्यू पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाता है। बाकी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डाल सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया R01, अब यहाँ पर रोल नंबर आएगा तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा, और नेम ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेगा, तो आपको ये ध्यान दे रहा है कि यहाँ से मैच करता हुआ राम है गौरव है, बाकी नंबर तो अलग अलग रहेगा ही रहेगा, जो मिलेगा वो देंगे। तो यहाँ राम है पहले स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे जो भी इन्होंने मार्क्स गेन किए हों वो यहाँ पर आप फीड कर दीजिए और बस काम हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा है R02, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर R02 है लेकिन रोल नंबर तो 2 ही है, इनका नाम है श्याम, और यहाँ से जो भी इनका मार्क्स रहा हो वो यहाँ पे हमें डालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अधिक और कम का फर्क पड़ता है, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मार्क्स भी हमने दे दिया है, देख सकते हैं, और यहाँ पे टोटल आ गया। तो ये दो टेबल हमारे पास तैयार हो चुकी है, दोनों में हमने कैलकुलेट भी कर रखा है, आप देख ही सकते हैं। दोनों को क्लोज करते हैं यहाँ से, और अब चलेंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ चलेंगे, यहाँ से चलेंगे हम सीधा सीधा कहाँ, फॉर्म विजर्ड पे। ये फॉर्म विजर्ड है हमारा, फॉर्म बनाएंगे तो ये सारे ही रिकॉर्ड्स हमें चाहिए होंगे उसके लिए, तो ये सारे रिकॉर्ड्स लेकर के नेक्स्ट करके, और यहाँ पर आप फिनिश कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं डिजाइन को, तो ये मॉडिफाई कर दिया हमने, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, और ये ड्रैग कर लिया हमने। यहाँ से देखिए ये काफी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ से जाके छोटा करेंगे, नीचे बटन्स वगैरह क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो फिलहाल ये वीडियो उसके लिए मैंने बनाया नहीं है। मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ मुद्दे पर, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ब्लैक रखना है ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे आपको। तो ये हो गया, ये आपका पहला फॉर्म बन गया है, देख सकते हैं, और यहाँ से व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये आपका फॉर्म रहा, ठीक है, और ये यूनिट टेस्ट 1 नेम आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम नेम चेंज करेंगे, ठीक है ना, नेम यहाँ से चेंज करेंगे। तो पहले तो इसको क्लोज करना होगा, क्लोज करते वक्त ही इसको हम यहाँ से ये जाएंगे और यहाँ से रीनेम करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट फॉर्म, यूनिट टेस्ट 1 फॉर्म कर देते हैं, FORM, तो ये कर दिया। नेविगेशन बनाना होगा, लेकिन दोनों फॉर्म पहले तैयार करेंगे, ये तो पहला फॉर्म हो गया आपका जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा फॉर्म होगा उसको तैयार करना होगा, तो वो कैसे तैयार करेंगे, तो ये बड़ा आसान है, देखिए फिर वही काम, यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, फिर फॉर्म विजिट पे जाएंगे, और इस बार यूनिट टेस्ट 2 वाला लेंगे, ठीक है। इस तरह से जितने चाहे उतने फॉर्म आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, अगर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट की भी जरूरत है तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और इन सब की जरूरत है तो सबको ले लीजिए, और यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। कॉलमर फॉर्म में डेटा चाहिए, कैसा चाहिए वो देख लीजिए, और यहाँ से फिनिश कर दीजिए, तो फिर ये भी ऐसा ही दिखेगा, और यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देना होगा, और यहाँ से ऊपर जाना होगा इस तरीके से, और जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इस तरीके से, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ से जाएंगे इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे, ये देखिए ये हो गया, और ये हमारा काम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा नीचे करेंगे, और फिर वही काम की इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको डार्क में लेके आएंगे, डार्क करेंगे, तो यहाँ से हमने डार्क कर दिया इसे, ठीक है। और डार्क करने के बाद क्या करना है, डार्क करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, और बोल्ड करने के बाद क्या करना है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, तो ये भी हमारा बन करके तैयार। अब ये भी यूनिट टेस्ट 2 लिखा हुआ है, हम इसको भी चेंज करते हैं, इसका नाम चेंज करेंगे, तो यहाँ से सेव करेंगे, तो यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, ये यूनिट टेस्ट 2 है तो हम इसका नाम रखेंगे यूनिट टेस्ट 2 फॉर्म, ठीक है। तो ये टेस्ट 2 है और आगे FORM फॉर्म लिख दिया, तो ये दोनों ही फॉर्म तैयार हो गए। ये टेबल को क्लोज करते हैं, अब हम चलेंगे कहाँ, क्रिएट पे जाएंगे, और यहाँ से कहाँ जाएंगे, नेविगेशन पे जाएंगे, और नेविगेशन में हॉरिजॉन्टल टैब्स हमें बनाने हैं, तो यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नाम मैं दे देता हूँ यूनिट टेस्ट 1, ये दे दिया यूनिट टेस्ट 1, तो ये यूनिट टेस्ट 1 रिजल्ट कर देता हूँ, रिजल्ट RESULT, ये यूनिट टेस्ट 1 का रिजल्ट है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर ये आएगा यूनिट टेस्ट 2 का रिजल्ट, तो यहाँ यूनिट टेस्ट 2 रिजल्ट कर देते हैं, तो ये इस तरीके से आ गया है, और इसको यहाँ से छोटा बड़ा मैंने कहा कि आप बना सकते हैं तो आसानी के साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ये यूनिट टेस्ट 1 लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। यूनिट टेस्ट 2 की बात कर लेते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट 1 पे क्लिक किया तो यूनिट टेस्ट 1 का टोटल रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है सीधा फॉर्म में, और अगर यूनिट टेस्ट 2 को यहाँ पे ले जाकर रख देते हैं तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट 2 भी आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसको हटाना होगा, ये एक और बन जाता है पता नहीं क्यों, इसको भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, तो यूनिट टेस्ट 1 पे जाएंगे तो यूनिट टेस्ट 1 वाला टोटल रिकॉर्ड, और यूनिट टेस्ट 2 पे जाएंगे तो यूनिट टेस्ट 2 का पूरा टोटल रिकॉर्ड आपको आपके सामने दिखेगा, ठीक है।
तो अब इस तरीके से ये नेविगेशन फॉर्म बन जाएगा। अब इसमें इसको क्या काम करना है, इसको हटाना है और यहाँ पे रिजल्ट कर देंगे, RESULT रिजल्ट, ठीक है, ठीक है ना, ये कर दिया। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं, ये एक्सेस का जो बॉक्स आता है इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें प्रॉपर्टी शीट पे जाके तमाम चीजें आप कर सकते हैं, जैसे ये हमारा फॉर्म है तो यहाँ फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पॉपअप्स वगैरह को यस कर देंगे तो थोड़ा सा और भी ज्यादा बेहतर लुक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। अब ये नेविगेशन फॉर्म के ही नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही इसे ओपन करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए नेविगेशन हमारा फॉर्म है, यहाँ पे गए, डबल क्लिक किया, ये ओपन किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख रहे हैं। अब ये कुछ इस तरीके से आएगा। और जैसे ही आप यूनिट टेस्ट 2 पे जाएंगे तो यूनिट टेस्ट 2 का पूरा रिजल्ट शो करेगा, और यूनिट टेस्ट 1 पे जाएंगे तो यूनिट टेस्ट 1 का पूरा रिजल्ट शो करेगा। तो नेविगेशन फॉर्म जो है आपको सॉफ्टवेयर में काफी अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर जैसा लुक देने का काफी उसमें हेल्प करता है आपकी। उम्मीद करता हूँ कि ये कैसे बनेगा और कैसे काम होगा ये तमाम चीजें समझ में आई होंगी। और भी चीजें करेंगे तो ये नीचे जो है सेटिंग से जाके इन सबको हटा सकते हैं आप। ये जो नीचे दिया गया है ना, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, ये तमाम चीजें हट जाएंगी और आपको केवल और केवल यही दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन।